बैक टू माई चैनल पंजाब फेसियल आर्ट एंड स्किन वर्क की शुरुआत किचन से करी हूँ। आज है विजयदशमी और विजयदशमी को क्योंकि आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ देख सकते हो मम्मी का 9 दिन का जो फास्टिंग था उसका पारण करना था। मैं अभी खाना बना रही हूँ, देख सकते हो किचन में, और अगर नेक्स्ट दिखाऊँगी मैं क्या क्या बनाई हूँ और मम्मी को मैं क्या क्या सर्व की हूँ। और बनी रहो ब्लॉग में। आज विजयदशमी के रोज़ क्या होता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो कि बचपन में होता था और आज के रोज़ जो है बहुत जगह नीलकंठ देखा जाता है, नीलकंठ शुभ माना जाता है क्योंकि वो शिव जी का रूप है। तो आप लोग भी देखिए, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है तो इजीली लोग नेट पे देख लेते हैं, पहले नहीं देखते थे इजीली, तो वेट करते थे नीलकंठ का पक्षी, एक नीलकंठ पक्षी होता है वो कब आएगा और लोग देखेगा। तो बचपन की एक यादें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फाइनली यहाँ मेरा जो है वो पारण का खाना बन चुका है और खाना भी निकल गया है। ये मम्मी के लिए निकला है क्योंकि मम्मी जो है वो 9 दिन का फास्ट की हुई है तो उनका पारण कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी फाइनली पारण कर ली है। एक्चुअली मम्मी 9:30 बजे तक कर ली थी और यहाँ पर पापा भी मम्मी के साथ खाना खा रहे हैं। नीलकंठ तू नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात जाके राम से कहियो। नीले रंग की छटा बिखेरती ये खूबसूरत सी पक्षी नीलकंठ, जिसके दर्शन मात्र से बहुत ही सुफल मिलता है। जी हाँ, विजयादशमी के रोज इसका दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप विजयादशमी के रोज इनका दर्शन करते हैं, नीलकंठ का दर्शन करते हैं, तो आपके साल भर के कोई भी काम जो है वो शुभ होते चला जाता है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मेरी जो भतीजी है वो देख सकते हो वो मेरा शादी का एल्बम देख रही है, तो मैं सोची क्यों ना क्लिप बनाया जाए। और फाइनली अब ये निकलेंगी घर के लिए, तो यहाँ पे भाभी आई थी लेने के लिए, तो ये घर जा रही है। भाभी हमने को प्रणाम कर रही है। भाई अच्छा से करेगा मम्मी। और ये मैं मंगवाई हूँ मैट्रेस प्रोटेक्टर। जी हाँ, मेरा प्रोटेक्टर ख़राब हो गया था तो मैं मंगवाई हूँ, ऑनलाइन मंगवाई हूँ, और देखती हूँ यूज़ करके, अभी ओपन नहीं की हूँ, ऐसे ही मैं बनाई थी तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ क्लिप शेयर करूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये है कुंज के फूफा जी, जो कि बहुत दूर से आए हैं कुंज से मिलने के लिए, तो मैं सोची क्यों ना अपने ब्लॉग में इन्हें भी शामिल कर लूँ क्योंकि ये लोग रोज़ रोज़ आने वाले हैं। नहीं तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।